वेलकम बैक टू गुड थिंग्स। मैं हिमांशु सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल गुड थिंग्स में। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो साइकोलॉजी चैप्टर था बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का, उसकी जो यूनिट फर्स्ट थी उसका पार्ट टू में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक एक करके। मेथड जो था साइकोलॉजी के और जो क्लासिफिकेशन किया था प्योर साइकोलॉजी अप्लाइड साइकोलॉजी, उसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सभी टॉपिक को। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर यूट्यूब में वहां पर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप वो वाला वीडियो नहीं देखेंगे तो ये वीडियो आपके समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए सबसे पहले जाके पार्ट वन इसका ज़रूर देखें, तभी आपको पार्ट टू की चीज़ें समझ में आएंगी। तो पार्ट वन में हमने एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं कि हमने पार्ट वन में डिस्कस क्या क्या किया था। तो सबसे पहले हमने पार्ट वन में डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, फिर डिफिनीशन ऑफ साइकोलॉजी, और तीसरा था स्कोप ऑफ साइकोलॉजी और ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी, उसका क्लासिफिकेशन तक हमने उस वीडियो में बताया था। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप वो वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट टू साइकोलॉजी का। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रांचेज जो है साइकोलॉजी बताई है उनको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, और मेथड ऑफ साइकोलॉजी क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ साइकोलॉजी जो है उसका नर्सिंग में क्या इंपॉर्टेंस है उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे ब्रांचेज जो है, आप एक बार फिर से देख लीजिए इस वीडियो में तो रिपीट कर दिया है। तो प्योर साइकोलॉजी जो है उसकी ब्रांचेज हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, पैरा साइकोलॉजी और फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, जियो साइकोलॉजी। और इन्हीं को अब एक एक करके डिस्कस करेंगे आगे। पहले अप्लाइड साइकोलॉजी क्लासिफिकेशन देखते हैं। अप्लाइड साइकोलॉजी जो है उसका क्लासिफिकेशन है एजुकेशनल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, लीगल साइकोलॉजी, मिलिट्री साइकोलॉजी और पॉलिटिकल साइकोलॉजी। तो अब यहाँ पर एक एक कर को डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले था इसमें जनरल साइकोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी है क्या जनरल साइकोलॉजी जो होती है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ प्योर साइकोलॉजी। जनरल साइकोलॉजी जो है वो ब्रांच है प्योर साइकोलॉजी की। इन दिस ब्रांच वी लर्न हाउ टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ हेल्थी इंडिविजुअल। ये जनरल साइकोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं कि बिहेवियर को कैसे हेल्थी रखें और लर्न करते हैं, बिहेवियर के बारे में सीखते हैं। और दूसरी है एबनॉर्मल साइकोलॉजी, ये भी ब्रांच है साइकोलॉजी की। एबनॉर्मल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट स्टडीज अनयूजुअल पैटर्न ऑफ बिहेवियर एंड इंडिविजुअल। इसमें पैटर्न ऑफ बिहेवियर इंसान का कैसा होना चाहिए उसके बारे में, राइट रॉन्ग का के बारे में पता होना चाहिए, मेंटल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, कोई डिसीज नहीं होना चाहिए, ये सब उन्हीं के बारे में साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। जो सोशल साइकोलॉजी होता है द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। इसमें सोशल बिहेवियर के बारे में, पर्सन का सोशल स्टेटस क्या है, सोशल बिहेवियर क्या है, सोशली कैसे मेंटेन रखता है अपने आप को, उस सभी के बारे में इस साइकोलॉजी में सीखते हैं, सोशल साइकोलॉजी में। और डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जो होती है इसमें फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज तक का में इंसान क्या चीज़ें सीखता है, साइकोलॉजिकल नीड उसकी क्या क्या होती है और उसको क्या ज़रूरत होती है लाइफ सर्वाइव करने के लिए और ग्रोथ करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, जीवन की या मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएँ क्या होती हैं, वो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में हम बात करते हैं उसके बारे में। दिस ब्रांच डील्स विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ व्हाई ह्यूमंस ग्रो चेंज एडॉप्ट अक्रॉस कोर्स ऑफ देयर लाइव्स, यानी वो कैसे ग्रो करने के लिए क्या चेंजेस होते हैं और वो क्या क्या अडॉप्ट करता है, ये सब डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं, सीखते हैं। और फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी जो होता है ये फिजिकल बॉडी से रिलेटेड होता है, ये फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी के अंदर उस फिजियोलॉजिकल जो होता है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो गया, स्ट्रेस हो गया, ब्रेन फंक्शन कोई स्टॉप हो गया और लीवर डैमेज हो गया, ये सब फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी के अंतर आता है। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर थ्रू फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट। और पैरा साइकोलॉजी के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। पैरा साइकोलॉजी होता क्या है, दिस ब्रांच स्टडीज स्पेशल मेंटल एबिलिटीज विच कैन नॉट एक्सप्लेन्ड साइंटिफिकली एंड सच एज टेलीपैथी और नोइंग द फ्यूचर। इसमें ये होता है सब स्टडी स्पेशल मेंटल एबिलिटीज के बारे में
जाना जाता है। और जियो साइकोलॉजी के बारे में, जियो साइकोलॉजी होता क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस ब्रांच में। दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डिस्क्राइब द रिलेशंस ऑफ द फिजिकल इन्वायरमेंटल पार्टिकुलरली वेदर क्लाइमेट एंड सॉइल इफेक्ट बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। जो जियो साइकोलॉजी होती है इसमें पर्सन का किस क्लाइमेट के बारे में, वेदर के बारे में, सॉइल इफेक्ट के बारे में, किसी इंडिविजुअल पर्सन को कोई इफेक्ट तो नहीं है सॉइल से, और उसके जो उसका क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग एडाप्टेबल है कि नहीं है, वो सब जियो साइकोलॉजी के अंतर्गत डिस्कस करते हैं। और इन्वायरमेंट जो है, वातावरण है उसका, उसके अनुकूल है, रहने लायक है कि नहीं है, ये सब डिस्कस करते हैं जियो साइकोलॉजी के अंतर्गत। और देखते हैं अप्लाइड साइकोलॉजी के ब्रांचेस। अप्लाइड साइकोलॉजी में आता है सबसे पहले एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो होता है, दिस ब्रांच स्टडीज हाउ ह्यूमंस लर्न रिटेल नॉलेज प्राइमरली इन एजुकेशनल सेटिंग लाइक एज क्लासरूम। इसमें जो होता है पर्सन कैसे सीखता है, नॉलेज को कैसे इम्प्रूव करता है, उसके बारे में सब लर्न करते हैं हम एजुकेशनल साइकोलॉजी में। फिर अगला है अप्लाइड साइकोलॉजी का पार्ट है क्लिनिकल साइकोलॉजी। दिस ब्रांच प्रोवाइड कंटिन्यूटी एंड कंप्रहेंसिव मेंटल एंड बिहेवियरल हेल्थ केयर इंडिविजुअल कपल्स फैमिलीज एंड ग्रुप्स। जो क्लिनिकल साइकोलॉजी होती है ये ब्रांच होती है अप्लाइड साइकोलॉजी की। ये प्रोवाइड करती है हमको मेंटल बिहेवियरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, कंप्रहेंसिव सपोर्ट प्रोवाइड करती है इंडिविजुअल्स को, कपल्स को, फैमिलीज को और ग्रुप्स को, ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है क्लिनिकल साइकोलॉजी। अब बात करेंगे लीगल साइकोलॉजी। लीगल साइकोलॉजी वो होती है वो राइट और रॉन्ग में डिफरेंट करने में हेल्प करती है, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग उसके बारे में हेल्प करती है। दिस डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रैक्टिस ऑफ साइकोलॉजी टू लीगल इंस्टीट्यूशंस एंड पीपल हु कम इनटू कांटेक्ट विद द लॉ। ये वही इसमें बताया गया है कि डील्स विद द प्रैक्टिस ऑफ साइकोलॉजी, लीगल इंस्टीट्यूशंस सही गलत क्या है, और पीपल हु कम इन दिस कांटेक्ट विद लॉ के कांटेक्ट से पीपल इस साइकोलॉजी को के बारे में जान सकते हैं और नॉलेज इम्प्रूव कर सकते हैं। और इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी जो है ये भी एक ब्रांच है अप्लाइड साइकोलॉजी की। दिस ब्रांच यूज टू स्टडी एनालाइज अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर इन द वर्क प्लेस, मेनली हाउ बिजनेस वर्क एंड हाउ एम्प्लॉयज फंक्शन। इसमें हम ह्यूमन बिहेवियर को वर्क प्लेस में, मेनली बिजनेस में इसका उपयोग ज़्यादा किया जाता है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का, वर्क हाउ एम्प्लॉयज फंक्शन, एम्प्लॉयज कैसे वर्क करते हैं और उनके उनसे काम कैसे करवाना है, माइंड रीडिंग की जाती है एम्प्लॉयज की, इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग इंडस्ट्रियल क्षेत्र में किया जाता है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का। और मिलिट्री साइकोलॉजी जो होती है दिस ब्रांच यूज टू प्रमोट रेडीनेस ऑफ मिलिट्री मेंबर्स ऑर्गेनाइजिंग सन्स एंड ऑपरेशंस। ये जो होती है मिलिट्री साइकोलॉजी, इसमें सेना के जवानों को अलर्ट किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है और ऑपरेट किया जाता है, किसी भी मिशन के लिए तैयार किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है। और पॉलिटिकल साइकोलॉजी होती है ये पॉलिटिशियन से रिलेटेड साइकोलॉजी होती है। पॉलिटिकल साइकोलॉजी इज एन इंटरडिसिप्लिनरी एकेडमिक फील्ड डेडिकेटेड टू अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल बिहेवियर। ये पॉलिटिकल साइकोलॉजी जो होती है अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है, पॉलिटिकल साइंस होती उसके बारे में जानने में हेल्प करती है, और पॉलिटिशियंस क्या होता है और उसकी रणनीतियाँ क्या होती हैं, ये सब पॉलिटिकल साइकोलॉजी जो नेता, हमारे नेता लोग यूज करते हैं, वही होती है पॉलिटिकल साइकोलॉजी। अब बात करेंगे हम मेथड ऑफ साइकोलॉजी। तो जो साइकोलॉजी के मेथड हैं वो 5 तरीके के होते हैं, देर आर 5 टाइप्स ऑफ मेथड। एक तो पहला हो गया इंट्रोसेप्शन मेथड, दूसरा हो गया ऑब्जर्वेशन मेथड, तीसरा हो गया क्लिनिकल मेथड और चौथा हो गया सर्वे मेथड, पाँचवा हो गया एक्सपेरिमेंटल मेथड। अब देखते हैं सिग्निफिकेंस जो होते हैं साइकोलॉजी के, वो नर्सिंग में क्या क्या सिग्निफिकेंस होते हैं, क्या हेल्प करने में क्या हेल्प करते हैं। तो पहला देखते हैं, साइकोलॉजी हेल्प्स नर्सेज इन बेटर अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल बिहेवियर ऑफ ए पेशेंट। जो साइकोलॉजी होती है जो हेल्प करती है नर्सों की अंडरस्टैंड ऑफ पेशेंट हेल्थ, पेशेंट की हेल्थ को
अंडरस्टैंड करने में और प्रोवाइड करने में केयर, टू प्रोवाइड क्वालिटी नर्सिंग केयर एंड पेशेंट आफ्टर एनालाइजिंग द बिहेवियर पैटर्न, बिहेवियर पैटर्न जो होता है उसको असिस करने में हेल्प करती है और क्वालिटी केयर को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है साइकोलॉजी, या इम्प्रूव रिलेशनशिप बिटवीन द हेल्थ केयर टीम, हेल्थ केयर जो टीम होती है उसके भी रिलेशनशिप बिल्ड करने में हेल्प करती है। हेल्प नर्स टू अंडरस्टैंड वन सेल्फ और नर्स को अंडरस्टैंड करने में, दूसरे को समझने में, खुद को समझने में हेल्प करती है। क्लियर है साइकोलॉजी के पॉइंट। साइकोलॉजी का मेन जो एम है नर्सिंग में वो ये है कि पेशेंट का बैकग्राउंड कैसा है, किस बैकग्राउंड से, कल्चरल बैकग्राउंड से, किस बैकग्राउंड से आता है और उसकी मेंटल एबिलिटी क्या है, और उसकी फेस रीडिंग करके उसकी कंडीशन को असिस करना, ये सब हेल्प करता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी हेल्प करती है पेशेंट की कंडीशन को असिस करने में और ओवरऑल हेल्थ उसकी कैसी है, ये सब असिस करने में हेल्प करती है। तो ये रहा सिग्निफिकेंस इन नर्सिंग ऑफ साइकोलॉजी। तो ये वीडियो समाप्त होता है यहीं पे। इस वीडियो में हमने जो ब्रांचेज है अप्लाइड साइकोलॉजी और प्योर साइकोलॉजी उनके बारे में डिटेल में डिस्कस किया है थोड़ा थोड़ा करके, और डिस्कस किया है मेथड ऑफ साइकोलॉजी, जो साइकोलॉजी के मेथड होते हैं वो 5 तरीके के होते हैं, उनको पॉइंट वाइज दिया गया यहाँ पे, वो बताया, और सिग्निफिकेंस क्या होता है साइकोलॉजी का नर्सिंग में वो बताया। अगर और इसके पहले हम पार्ट 1 इसका बना चुके हैं वीडियो, इसको देखने से पहले पार्ट 1 जरूर देखें, तभी आपको ये आगे के वीडियो समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, गुड थिंग्स। और किसी को भी ये PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है मेडिकल स्टूडेंट अड्डा के नाम से, वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाइए, हम वहाँ पर इसकी PDF आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।